सबसे खतरनाक जेल से भागने की कहानी। कैलिफोर्निया की सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के बीच एक सुनसान टापू अल्कट्राज, जहां बनी जेल को अमेरिका का काला पानी समझा जाता था और जहां बेहद दुर्दांत अपराधियों को सजा के लिए भेजा जाता था। इन्हीं कैदियों में वो चार कैदी भी थे जिनके इरादे खतरों से खेलने के थे। जॉन और क्लैरेंस नाम के दो एंग्लिन भाइयों के साथ दो कैदियों का दोस्ताना लगातार बढ़ता जा रहा था और वो दो दोस्त थे, मॉरिस और एलन। जेल में पानी की सप्लाई के लिए पाइपों के जरिए समुद्र का खारा पानी बहता था। ये पाइप हर बैरक की दीवारों से होकर गुजरते थे, इसलिए खारे पानी की वजह से दीवारों का उतना हिस्सा कुछ कमज़ोर हो चुका था। मॉरिस को इस जेल की ये सारी बारीकियाँ बहुत अच्छे से मालूम थीं और उसने बाकी तीनों को अपनी अपनी कोठरी में पाइप वाले हिस्से की तरफ से एक छेद बनाने को कहा, जो सीधे जेल के बाहर जाने का रास्ता होना था। चारों रोज़ाना 3 से 4 घंटे छोटी छोटी चम्मचों जैसे बर्तनों से काफ़ी मोटी दीवार को तोड़कर छेद बनाने का काम करते थे। इस काम के दौरान मॉरिस पूरे शोर के साथ अकॉर्डियन बजाता था या फिर उसे ठोक पीट कर कुछ ना कुछ करता रहता था, ताकि पहरेदारों को छेद किए जाने की आवाज़ ना आए। छेद इतना बड़ा बनाया जाना था कि उसमें से एक पूरा आदमी निकल सके। मॉरिस को पता था कि इन बैरकों के पीछे जंगल जिम था और वो इन छेदों के जरिए उस जिम की छत पर निकल सकते थे, जहां से आसानी से भागा जा सकता था। मई 1962 में एंग्लिन भाइयों और मॉरिस के बैरकों में छेद तैयार हो चुके थे। इन छेदों की मदद से मॉरिस और किसी एक एंग्लिन भाई के साथ बाहर की तरफ यानी जंगल जिम की छत पर निकलता और रेनकोट्स व अकॉर्डियन की मदद से वो खास बोट तैयार करता। इस बीच बाकी दो का काम ये होता कि वे पहरेदारों पर नज़र रखने के साथ ही छेदों को कायदे से ढांक कर रखें और कोठरी में इंसान जैसे दिखने वाले पुतले को इस तरफ रख दें कि पहरेदारों की नज़र पड़े तो उन्हें शक ना हो। फिर जून 1962 की वह रात भी आ गई जब चारों को भागना था। उस रात कुछ देर के लिए बिजली चले जाने का फ़ायदा भी चारों को मिला, लेकिन इसके बावजूद एक गड़बड़ की वजह से चारों की सांसें हलक में अटक गईं। चारों को अपनी कोठरियों के छेदों से बाहर निकलना था, लेकिन एलन अपनी कोठरी के छेद में अटक कर रह गया, क्योंकि छेद के आकार का उसका अंदाज़ा गलत साबित हुआ। रात के वक्त एलन को छोड़ तीनों जेल से भाग चुके थे और पहरेदारों से नज़रें चुराने के बाद रात करीब 11:30 बजे अपनी बनाई नाव के जरिए समुद्र में उतर चुके थे। उधर सुबह तक जेल के किसी पहरेदार या अफसर को इसकी भनक तक नहीं लगी। सुबह जब एक गार्ड ने एलन को एक छेद में फंसे और जूझते देखा, तब उसने सायरन बजाकर सबको अलर्ट किया। किसी तरह एलन को उस छेद से निकाला गया और उसके बाद एलन ने जेल प्रशासन की मदद करते हुए पूरी कहानी बयां की। फौरन बाद भागे हुए तीन कैदियों की तलाश शुरू हुई, लेकिन आपको बता दें कि वो तीनों ही कैदी आज तक किसी की भी पकड़ में नहीं आए। वो कहां हैं, जीवित हैं या मर गए हैं, इस बारे में भी किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। जेलों से जुड़ी ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए बने रहें TRIPLE.COM पर। धन्यवाद।